बताओ भानु, चैनल से क्या लेना है आपने? भाई छोटा सा एस्केलेटर बस, ये क्या मजाक है? गाइस देखो, इतनी बड़ी सिर्फ प्लेटों की दुकान, प्लेट ही प्लेट है। टमाटर महंगा हो गया, चटनी एक्स्ट्रा मांगूंगा इस समय। भाई ये तो ऐंठ लो, भाई ऐंठ लो ये ना। हाँ जी गाइस, कितना बढ़िया, अपा भी बढ़िया। आज अपा चले हैं डीएलएम प्रोमेनाड अमीरों के इलाके में। मैं बहुत टाइम से कोई ना कोई मॉल सर्च कर रहा था, कहाँ जाऊँ क्या करूँ, तो मेरे को ये भाई डीएलएम प्रोमेनाड मिला और इसके रिव्यूज पढ़ के तो मैं ऐसे हैरान हो गया। एक बंदा कह रहा है दिस इज बेस्ट प्लेस फॉर शॉपिंग इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में भाई इससे बढ़िया कोई प्लेस ही नहीं है, एकदम जीरो आउट खत्म। आगे भाई कह रहा है वेरी नाइस क्लीन एंड सोबर, मतलब यहाँ कोई शराबी नहीं मिलेगा आपको, तो ठीक है भाई जाके हम चेक करते हैं। और एक रिव्यू तो कह रहा है वन ऑफ माई फेवरेट मॉल्स इन द सिटी। भाई इतने तगड़े तगड़े रिव्यूज है, जाके तो देखना पड़ेगा चीज क्या है, है ना? तो आओ चलते। तो गाइज आ गए हम गाड़ी में। जो लोग मेरे व्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हाय एवरीवन, दिस इज ऋषभ सुनेजा। एक मस्ती वाला व्लॉग होने वाला है भाई, जा रहे हैं मॉल में। बहुत मुश्किल से प्लान बना है, डेली जो है बारिश ने तो बहुत बुरा हाल कर रखा था। आज थोड़ी सी रुकी है, अभी फिर भी ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है, जबकि बादल नहीं है, धूप आई हुई है, धूप में भी बारिश चल रही है हल्की फुल्की। और भानु आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? मैं तो बहुत खुश हूँ कि हम फाइनली निकले हैं कहीं घूमने, संडे संडे लग रहा है अब। नहीं तो संडे क्या लगता है, नहीं तो संडे क्या लगता है, था जब आपने निकाला नहीं था गाड़ी से मुझे। हाँ ये बात तो है। अच्छा लास्ट ही संडे था वो? हाँ जी लास्ट टू लास्ट संडे, संडे टू संडे दिहाड़ी लग रही है हमारी, मतलब है तो हम संडे को निकलते हैं, वैसे वर्किंग है चल रही है, कट रही है हमारी, और कोई खाली थोड़ी बैठे हैं। काम तो करेंगे, काम तो करना ही है, रोटी पानी कैसे कमाएंगे भाई, कोई बैठे बैठे भी दे दो। बहुत तेज हो रहा है। 50 मिनट का रास्ता बता रहे भाई डीएलएफ मॉल के लिए प्रोमेनाड। सड़के वड़के तो एकदम खाली है, यहाँ तो ऐसे लग ही नहीं रहा, दिखाना सड़क इनको, ऐसे लग ही नहीं रहा कि बारिश हुई थी कभी किसी जमाने में। हम एंटर हो रहे हैं दिल्ली में, रादर देन टेकिंग द हाईवे हम टोल बचाते हुए जा रहे हैं नीचे से, क्योंकि हमारा जो फास्ट टैग है वो अभी तक भाई कनेक्ट नहीं हुआ है। गाड़ी का नंबर जब से चेंज हुआ है वो चेसी से नंबर अटैच नहीं है, उस चक्कर में मेरा फास्ट टैग एक महीने से चल ही नहीं रहा, हम तब से बिना टोल के ही इधर उधर चल रहे हैं। आज हमने 3600 रुपये बचा ली है, वी आर 36 रुपीज रिचर नाउ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्यों भानु क्या कहना चाहते हो आप? यस तो क्या खिलाओगे उस 36 रुपीज का? छोले पूड़ी। जा हम डीलर रहे हैं। कुछ तो मिलेगा 36 रुपए में प्रोमेनाड में, कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। लेट्स सी, तुम पहले गए हो मॉल, कैसा है? बहुत बढ़िया मॉल है, मैं गई थी 5 साल पहले। टोल तो देना पड़ेगा? नहीं यहाँ से निकल जाएंगे, टोल देने की जरूरत है? टेंशन नहीं लेने का अपुन है ना, अरे हर चीज का इलाज है हमारे पास, टोल नहीं देते आज हम किसी भी हालत में, टोल ना देंगे भाई हम, ना दे रहे टोल वोल। अच्छा टोल बोल दे हमारे दुश्मन। गाइस मॉल की एंट्री पे हम आ गए हैं और बहुत जबरदस्त, मतलब इतना रश तो मेरे ख्याल से कि मंदिर के लाइन में नहीं लगता हुआ, जितनी बड़ी लाइन पार्किंग की है, मतलब पार्किंग के लिए है। अभी तो आगे सिक्योरिटी चेक भी होएगा, इतनी सिक्योरिटी चेक तो एयरपोर्ट के टर्मिनल पे नहीं मिली हमारे को, जितने आगे भाई गार्ड्स खड़े हैं। थोड़ा मूड खराब कर लिया। सही बात है, काफी बड़ा मॉल लग रहा है, ऐसा प्रतीक हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, क्या बोलते हैं, प्रतीत पता नहीं, ऐसा कुछ ऐसा लग रहा है मुझे। हिंदी पढ़ लेनी चाहिए थी जब पढ़ा रही थी मैडम, ड्रॉइंग बना रहे थे हम अपनी किताबों में। लाइन देखो भाई पीछे से देखो, ठीक, और यहाँ से देखो, देखो दिख रहा है देखो भाई क्या भयंकर। 5 मिनट लगेंगे हमें ट्रैफिक में खड़े होके, पता नहीं भाई 5 मिनट लगे 10 मिनट लगे, जो भी लगेगा, वन वे है, देख लो भाई एक मोड़ मुड़ चुके हैं, अभी भी रश खत्म नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ जाके दर्शन प्रतीत होएंगे, क्या सिस्टम क्या है भाई, क्या बोलते हैं उसको, आप लोगों को पता लगे तो कमेंट में जरूर बताना भाई, हमें नहीं पता, प्रतीक होएंगे प्रतीत होएंगे, कुछ ना कुछ तो होएगा।
पार्किंग तो हो ही जाएगी और कुछ ना। वो देखो एम्बियंस मॉल, एम्बियंस मॉल, वो तुमने तो कहा था डीएलएफ प्रोमिनार्ड है। बढ़िया पेड़ पौधे लगा रखे हैं, आर्मी की गाड़ी लग रही है तो भाई। जेड प्लस 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 सिक्योरिटी है यहाँ पे। हाय लोग, रश तो बहुत है भयंकर, और रेडियो में भी कुछ खास नहीं आ रहे हैं गाने। क्या मैं चलाए नहीं है, कॉपीराइट आ जाएगा रेडियो पे गाने सुना दिए तो। सरदार जी खड़े ब्लैक यूनिफॉर्म में, अरे ऐसे मत रिकॉर्ड करो, अंकल जी आ जाएंगे कहेंगे टेररिस्ट। वो एम्बेसी वाली, उसको समझ आ गए थे यहाँ पार्किंग फुल है, इसलिए वो फटाफट उधर चली गई। हाँ एम्पोरियो चली गई अपना लॉलीपॉप खाते खाते। मैंने कहा था तुम्हें 5 रुपए लगने, लॉलीपॉप खा लो और मेरे को भी दिलाओ। एक्लेयर्स वाली आती है क्या आजकल? बहुत टेस्टी होती थी यार वो एक्लेयर्स वाली लॉलीपॉप। दांत भी खराब हो गए थे उससे, दांत खराब हो गए थे। एक बार टूथ ही निकल आया था जब मैं 7th में थी, वो खा रही थी और निकल आया, पूरा टूथ ही बाहर आ गया। विद एक्लेयर्स डेंटिस्ट के पैसे बच गए। वाह दीदी वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी वाह दीदी। पहले पार्किंग ड्रॉप ऑफ, अपने आप को ड्रॉप कर गाड़ी छोड़ दे यहीं पे। एंड्रियास, एंड्रियास बेबी, एंड्रियास। एंड्रियास कौन है जो हमने वहाँ पे खाया था? एंड्रियास बिस्ट्रो साकेत, कहाँ गए थे? साकेत, साकेत, साकेत गए थे भाई। एंड्रियास बिस्ट्रो, एंड्रियास बिस्ट्रो, इसका जो मेन्यू है इतनी मोटी मतलब किताब है, ऐसे लगता है भाई। एंड डिलीशियस फूड, लेकिन यार ऐसे पढ़ने वाली फीलिंग आती है यार। मेन्यू तो 1-2-3 पन्नों को होता है, वो तो भाई 20 पन्नों का मेन्यू। ये बढ़िया था गुरु। ये रहा डील है प्रोमिनार्ड भाई, आ गए। लाइक आई सेड, पेट मत दिखाओ मेरा, चेहरा दिखा दो, पेट सबको पता है मोटा है। डील है प्रोमिनार्ड आ गए हैं भाई हम। पार्किंग हमें मिल गई है, वो भी एम्बियंस मॉल में। ये तीन भाई बहन है, ये एक साथ बने पड़े हैं, एम्पोरियो, प्रोमिनार्ड और एम्बियंस। और पार्किंग इतनी मतलब लार्ज भी नहीं, विशाल जिसे कहते हैं। इतनी बड़ी पार्किंग है कि याद करना पड़ेगा भाई कहाँ पार्क करी। यहाँ गाड़ी खो गई तो आपको नहीं मिल सकती, गारंटी की बात है। भयंकर एम्बियंस में आए हैं, यहाँ से जाएंगे भाई पता नहीं कहाँ। इतना अजीब सा मॉल है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बंदे बहुत है, आवाज़ ही नहीं है भाई, कोई शोर शराबा नहीं है, सारे पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई अंदर। अजीब सा हिसाब हो रखा है, ना कोई अटेंशन मिल रही ना कुछ, सारे अपने में लगे हुए हैं। बढ़िया विदेशी बहुत है भैया, भयंकर। जैसे विदेशियों को सिर्फ यही एक मॉल मिलता है भाई घूमने को। कि मानू कहाँ चल रहे हैं खाने को, क्या दिखाऊं? लो भाई तुम भी देख लो, तुम भी अंडे खा लो। बारिश होने वाली है। 2000 years later. एम्बियंस हो गया क्रॉस, और ये उस वाले एम्बियंस के मुकाबले उतना बढ़िया नहीं है। ओके ओके, हालांकि पूरा मॉल मैंने देखा नहीं तो मुझे जज भी नहीं करना चाहिए। ट्रैफिक, मोर ट्रैफिक। आप सड़क पर क्यों आ गए हो? वो भूख वाला हिसाब याद है आपको जो पिछले व्लॉग में था? हम दोनों फिर से भूखे हैं और दिमाग चल रहा बंद हो चुका है। आ गई भाई प्रोमिनेंट की स्टार्ट। और जो अजीब चीज मैं कह रहा था, आप लोग देखो भाई, आवाज ही नहीं, शोर शराबा ही नहीं, लोग घूम रहे हैं, आवाज ही नहीं है, पियानो बज रहा है, पता नहीं क्या सिस्टम है भाई। इतने लोग, इतनी जनता आई हुई है, कोई आवाज़ ही नहीं है, एकदम शांत। तो मुझे देख ले कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ तो बना रहा हूँ, वैसे कुछ नहीं है। है भानु, शांति कितनी है यार, ऐसे लग रहा है मेडिटेशन सेंटर आए हुए हम लोग, मॉल में मेडिटेट करने के लिए। हटो, गिर जाएंगे नहीं तो। मजा नहीं आ रहा है। नैंडो वैंडो, बिग चिल, बुक चिल, सब है यहाँ। बेवरली हिल्स पोलो क्लब, अच्छा जी, सीके भी है, सारे ब्रांड। जो बंदी सही कह रही थी, बारिश भी स्टार्ट हो गई है, मॉल के अंदर जाते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। अंकल कुछ खा रहे गाड़ी में बैठे बैठे। सुनो इधर हो, इधर हो, इधर हो, इधर हो। ये हर जगह पे साले साले क्यों लिखा हुआ है? सेल है, सेल है, मतलब शादी के बाद जो साला बनता है वहीं से बनता है क्या? साले साले लिखा हुआ है, गाली दे रहे हैं भाई खुले। हम बच्चे भाई पेंटिंग करते हुए आर्टिस्ट बनेंगे बड़े होके, पिकासो विकासो। बूढ़े बुजुर्ग बैठे हुए घुटनों को निचोड़ते हुए,
स्टीव मैडन, ये आदमी वैसे इतना फेमस नहीं था जितना फेमस उसको उसने कर दिया। कौन सी पिक्चर थी? वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, बाथ बॉडी वर्क्स। बिना बात के भी बॉडी वर्क करेगी ऐसी बात नहीं है। मानो क्या लेने आया आज हम यहाँ पे? बाथ बॉडी वर्क मैं कुछ नहीं दिला रहा, खुद से क्या लेना है बताओ। 50% ऑफ चल रहा है बाथ बॉडी वर्क पे। बिना बात के बॉडी वर्क नहीं करती क्या? क्यों अभी भूख लग रही थी, अभी हम बाथ बॉडी में वर्क करने आ गए। भूख का क्या सिस्टम है? ठेला वेला ढूंढे कोई? भैया सबसे सस्ता क्या है यहाँ पे खाने के लिए? अरमानी एक्सचेंज, एक्सचेंज में अरमानी ले जाओ। इशारा, इशारे करते रहो, कुछ मिल जाएगा तो ठीक है। सत्यपाल भाई, ये हमारे APJ स्कूल के ओनर का नाम भी सत्यपाल था, कोई बड़ी बात नहीं, वही आदमी हो। वेरी रिच पर्सनैलिटी, जा रहा पा रहा तो हमारे पास भी है, वो काफ़ी बड़ा है। किको कौन है? किको किको कोको कोको। अरे वाह कितनी बढ़िया ओपन स्पेस है, ऐसे लग रहा है मैं ड्राइंग रूम में आ गए। वाह क्या सीन है। नहीं भूख लग रही है भाई, ठेला वेला ढूंढना है हमारे को। 1000-1500 में काम हो जाए, 4 बंदों का, ऐसी जगह चाहिए अपने को। कॉस्टा कॉफी आ गई, कॉफी मैंने यार वो मतलब कॉफ़ी पी ली एक बारी। कॉस्टा कॉफी आ गई है, लोग देख रहे हैं, बढ़िया मज़ा आ रहा है। सब्सक्राइब कोई ना कर रहा, देख सारे रहे। तुम कॉस्टा कॉफी से क्यों कुछ नहीं लेते हो? तुमने कॉस्टा कॉफी से क्यों कुछ नहीं लिया? उनको परेशान कर जा रहे हो हैं? वो बेचारी नाइस लेडी बता भी रही है कहाँ पे। चलो कोई बात नहीं भाई, ओए गिर गया तो अभी मैं वीडियो बना रहे हैं चक्कर में। बढ़िया बढ़िया नज़ारा है, बहुत सही आर्किटेक्चर बना रखा है यार इन्होंने। पार्किंग वार्किंग का इशू हटा दो बस यार, इतना बड़ा मॉल है सही पार्किंग नहीं है, क्या चक्कर है ये? सही यार बहुत ओपन स्पेस है, बंदा बहुत आया हुआ है लेकिन लग नहीं रहा, शोर शराबा तो बिल्कुल भी नहीं है। सारा फिर आ गया भाई, 3-3 फ्लोर के शोरूम है यहाँ पे। UCB ठीक है, मतलब स्टारबक्स भी है। Maybe I want to eat something, second floor. कौन सा? एंड्रियास पूछ लेते हैं भैया से, किसी से पूछ लेते हैं भैया एंड्रियास कहाँ पे। भाई लोग आपको बताए एंड्रियास कहाँ पे? एंड्रियास नहीं बता भाई किसी को, एंड्रियास है ही नहीं यहाँ पे। कहाँ देखा था हमने? हार देखा था। बढ़िया आंटी है, टैरो कार्ड्स पढ़ रही है, हमारे पत्ते ना पढ़ सके कोई, इक्के हमारे पत्तों में। 5 पत्तों ही गेम में, 5 इक्के ले सकता हूँ मैं, सारे हुकुम के वो भी। वाह क्या बढ़िया भाई, मतलब उमा उमा वैन हुसैन ये सब तो हमारे पास भी है। भूख लग रही है, खाने को कुछ नहीं मिला, भूखे भूखे व्लॉग बन रहे, चक्कर आ जाएंगे। लेटेस्ट अपडेट गाइस, ब्रेकिंग न्यूज, चक्कर आ जाएंगे। लेकिन पति को व्लॉग बनाने से फुर्सत नहीं भाई। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, पति मिले तो ऐसा मिले जो बीवी का ख्याल कम साला व्लॉग ज्यादा बनाए। क्यों हाय हाय, वो आ गया फिर से बाथ एंड बॉडी वर्क्स। हमारे आता है ना जैसे वो अनिल फैब्रिकेशन वर्क्स। देखो भाई प्योर होम एंड लिविंग, वो मजाक की बात ये है, सारे नकली फूल है, एक असली नहीं। गॉड नोज भाई क्या प्योर है और क्या होम है। भानु भूख लग रही थी अपने को? ना भाई ना, भूख बाद में, पहले प्योर और होम बना ले अपना। भाई बिग चिल कैफे में 40 से 45 मिनट की वेटिंग है यहाँ पे, हमें तुरंत मिल गया। कोई बंदा है तो 40 मिनट वेट करेगा बाहर, जिगरा भाई जिगरा। 40 मिनट खाने की वेटिंग के लिए मैं तो ना करूँ। अरे इतना बड़ा मेन्यू है भाई,
समझ नहीं आ रही, सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है क्योंकि मेरी बीवी इंग्लिश की टीचर है, वही बताएगी हमने क्या खाना है। बिल भी वही पे करेगी। लो भाई लोग बिग चिल होके आए हैं हम अभी, और हमने खाया चिकन पनीर, पता नहीं क्या था, डाल दूंगा जब देखो। ओके ओके था यार, मेरा तो पेट नहीं भरा। ओके ओके था बिल्कुल ही। हाँ कुछ और देख रहे हैं हम, जहाँ पेट भर जाए। मेरे को लग रहा है हमें कहाँ जाना पड़े, मैकडोनाल्ड्स। मैकडोनाल्ड्स जाएंगे हम, बोरा मैकडोनाल्ड्स। अब कहाँ चल रहे हैं हम, PVR चलते हैं मूवी देखने। हाँ PVR चलते हैं, यहाँ पे सेल्फ का आयोज कर। 6:30 मिशन हो सकते तुम कटो, और 6:15 मिशन हो सकते। सिर्फ मिशन इम्पॉसिबल मूवी देखना, मिशन इम्पॉसिबल हो गया। टिकट तो पूछ लूँ कितने की है। टिकट 440-490। ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। मैंने सोचा 1500-1500 की होगी। पहले भी इतनी थी, 5 साल पहले। 5 साल पहले भी 500 रुपए की थी। 5 साल पहले की तो महंगी है फिर। आज 500 रुपए की ठीक है, 5 साल पहले की महंगी है। बुक शॉप, इतनी बड़ी बुक शॉप हमारे यहाँ, तो हम जाते थे कौन सी चावला बुक शॉप पे। भैया साइंस की दो किताब, साइंस की दो किताबें देना भैया। लुक सारे दे रहे हैं भाई, सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा। सब्सक्राइब करो यार, कमार कर रहे हो। अच्छा ओ सॉरी भाई, लुक सैलून, यार लुक सैलून की बात हो रही थी। मैं तो सब्सक्रिप्शन मांगता ही रहता हूँ, काम है अपना भाई, वर्क। भाई छोटा सा एस्केलेटर, बस ये क्या मजाक है। यहाँ से हाँ ये फूड कोर्ट है, तो फिर वहाँ क्या करने गए थे हम, इतना बड़ा धोखा। क्विंस खान चाचा, खान चाचा एक बात बताओ, खान चाचा तो पते गरीब नहीं, इसके तो बहुत महंगे रोल आते हैं। इनमें पेट जो है बर्गर ही भरेगा। बर्गर खाने बानू, सांड बर्गर खाए हैं भाई हम, सांड के बर्गर मिलते हैं यहाँ पे, देख लो आप, सांड बर्गर। हेलो मैम, क्या ऑर्डर कर रही है मैडम जी, साइड में क्या चाहिए। बेकन चीज फ्राइज कर दो, बेकन चीज फ्राइज। हाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा, 325 रुपए का है। अनियन रिंग्स भी बढ़िया रहते हैं इसके, नॉर्मल प्राइस कर दो आप। या नाचोस खाने, हम नाचोस भी ऐसे। अच्छा चलो सीट तोड़ दो, ठीक है भैया आप इतना ही कर दो। 320। चलो भाई सांड वर्ग का बर्गर आ गया, सांड जितना बड़ा है ये बर्गर, हमारे पेट तो भर ही देगा। भयंकर गर्म है, बहुत गर्म है भाई, इसकी फोटो ले ले गया, ऐसे ऐसी कर दे हम कभी। ये देख कैमरा मैन हमारे, ओए होए फोटो शॉट ऑफ द सेंचुरी। खाने से पहले 1500-1500 फोटो ना ले लें, मज़ा नहीं आता भाई। गया मैं काफी, गया मैं, टेस्टी लग रहा है लेकिन। बोगो भाई हाफ ना हो गए हैं, बोगो हाफ करने के लिए बोला था, बोगो हाफ में क्या उठना। नहीं भाई, ओए सारी चटनी गिरा दी रंगीन शर्ट पर, रंगीन कर दिया इसने। हेलो फ्रेंड्स, बर्गर खा लो, यही दिन आ गए हमारे। अब भाई टमाटर महंगा हो गया, चटनी एक्स्ट्रा मांगूंगा इस समय। मानू चटनी है टमाटर, वो बन जाएगी सब्जी भाई। ये तो ऐड लो भाई, ऐड लो, ये ना दे रहे हम चटनियाँ, ऐड ली हमने सारी। टमाटर हो गए महंगे, 250-250 रुपये किलो मिल रहा है। मानो ये आइडिया बढ़िया बताया तुमने यार, केचप की सब्जी तो भाई कॉस्टलीस्ट चीज, कॉस्टलीस्ट चीज इन द वर्ल्ड। टमाटर डाला भाई इतना मोटा इसने, जगह है भाई सांडबर्ग, सांडबर्ग आना अगली बार। बहुत टेस्टी बर्गर था भाई। भैया आपका क्या नाम है।
क्या नाम है? ऋषभ। अरे मेरा नाम भी ऋषभ है। तभी आपका स्वभाव मेरे को बहुत बढ़िया लगा, भैया का नाम भी ऋषभ है एंड बहुत ही अच्छा, मतलब वेलकमिंग एटीट्यूड, बहुत कम जगहों पे ऐसे दिखते हैं इतने बढ़िया बंदे। बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी और बहुत हैवी था, एक बर्गर का दोनों का पेट भर गया, प्राइस मिल गई, वेरी गुड भाई लोग। ये हम आए हैं छत पे, प्रोमेनाड की छत पे खड़े हैं, ऑन द टॉप ब्रो। एंड्रियास भी मिल गया है, पहले हमें मिल नहीं रहा था, हमने एंड्रियास भी जाना था, अब खा पी के हम सेट बैठे, अब एंड्रियास मिला, अब जाके एनी वे रिपीटेड ही होता, कोई नया तो था नहीं, बट हाँ बुकलेट जितनी मेन्यू है भाई उसकी, तो आप 100 बारी भी खाओगे कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। वेरी टेस्टी है एज वेल, बट अब हमने नहीं खाया तो नहीं खाया। और से एक मामा गोटो भी है, गोटो सुंदर नज़ारा है, आजाद पंछी वाली फीलिंग आती है। एक अंकल और बैठे थे हमारे साइड में, मैं व्लॉग कर रहा था, अंकल देखने लग गए, मैंने अंकल लाओ ना फोन, लाओ यूट्यूब खोलो, सबसे पहले सबसे पहले सब्सक्राइब करवाया मैंने अंकल से, जो जो मेरा ऐसे व्लॉग देखते हो बना देखेगा ना, मैं हाथ तो हाथ सब्सक्राइब करवाऊंगा मैं। देख बेइज्जती हो रही है, बेइज्जती सब जाएगा यूट्यूब पे, कुछ नहीं झूठने वाला। इनको लगता है मैं एडिटेड वीडियोस डालता हूँ, मैं सर रास्ते वास्ते का काटता हूँ भाई, क्योंकि वो बहुत बोरिंग होते, कोई नहीं देखता। एडिट कुछ नहीं होने वाला, स्ट्रेट रॉ, पसंद आएगी तो देखोगे, नहीं पसंद आएगी तो भी देखोगे। हाँ चलो यार, ये अनफॉर्चुनेटली स्मोकिंग एरिया भी है यहाँ का, वो बहुत स्मेल आ रही है, जाते हम अंदर। ओके भाई, इतनी गर्मी में वाटरफॉल मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ये देखो नहाने के लिए सस्ता जुगाड़ इसलिए हम जैसे कहीं जाते नहीं है बड़ी वीआईपी सेटिंग है ना यहाँ पे, कार्टियर माइकल क्रॉस यहाँ लग रहा है भाई, बढ़िया, दिस इज डिफरेंट। मॉल के अंदर ही पेड़ है यार गाइस, देखो इतनी बड़ी सिर्फ प्लेटों की दुकान, प्लेट ही प्लेट है, प्लेट ही प्लेट है भाई यहाँ तो। अरे बहुत है यार, कौन सी थाली में खाना खाना है भाई, ऐसे ऐसे ब्रांड है नाम ही नहीं पता अपने को, तो कहाँ जी रहे हम लोग, बर्बरी ये तो पता अपने को, बर्बरी तो देख रहे, ठीक है, मतलब ऐसे भी हैं ऐसे भी हैं। ये फूड कोर्ट है भाई, सॉरी बताना भूलिए, हम DLF एम्पोरियो में हैं। ये फूड कोर्ट है, ना बंदा ना बंदे की जात, 4-5 लोग खाना खा रहे, ये अंकल यहाँ पे ऑडी बेच रहे, 1-2 करोड़ की जितने की भी होगी। ओ भाई रोलेक्स की घड़ी दिलाती, रोलेक्स का शोरूम भी है यहाँ पे, क्या बात कर रहे हो, रोलेक्स कहाँ दिखते, उत्तरी। देखो यार, अगर मैं वैसे सोच रहा था और मैं बोलना भूल गया, और मैं घर से ही बोलने वाला था कि अगर रोलेक्स का शोरूम है यहाँ पे तो इसका मतलब जबर जबर मॉल है। रोलेक्स मेरे को सिर्फ एक ही जगह मिला था, वो फॉरेन कंट्री में था भाई, मैंने आज तक रोलेक्स का शोरूम इंडिया में, इंडिया में नहीं देखा। सीपी में क्या बात कर रहे हो, सीपी में भी है रोलेक्स, चलो कौन सा हमने लेनी है, अरे मैं कह रहा हूँ हमारे सेक्टर में क्यों, नाम ने कौन सा लेनी है, फरीदाबाद में कुछ नहीं है, फरीदाबाद में रोलेक्स खुल जाएगा, टेंशन मत लो। अरे मैंने फोन कर दिया अभी इनको, चलो ठीक है तुम्हारी छुट्टी, जाओ तुम ब्लॉग से कैंसिल, बेइज्जती कर रहे हो भाई खुले आम, रोलेक्स की घड़ी दिला रही हूं, तुम दिला रहे हो, रोलेक्स चाहिए, रोलेक्स नहीं चाहिए, कौन है ये लोग, रोलेक्स चाहिए। हेलो गाइस, रोलेक्स, रोलेक्स की घड़ियां ताड़ते हुए और एग्जीबिशन ऑन जी, सो लेट्स जस्ट लोल बेग ना रे भाई, हट हट, इससे बड़े टाइट है ना, ओ वाओ माय नेक इज पॉइंट, गोल्ड गोल्ड नहीं पहनते हम, गोल्ड वॉच नहीं खरीदनी भाई। एम्पोरियो में ब्रांड तो सारे हैं लेकिन उतना शोर शराबा नहीं है, फिर हर कोई यहाँ पे ना खरीद भी नहीं रहा है, लोग यहाँ देखने ज़्यादा आए हुए हैं और इतना कोई मज़ा भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। हाँ एम्पोरियो इज़ जस्ट लाइक एग्जीबिशन, टॉप के ब्रांड्स हैं, सारे ब्रांड्स हैं, जो ब्रांड्स सुने हैं नहीं सुने हैं सारे के सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे आपको, एंड दे आर रियली एक्सपेंसिव, लेकिन मैंने देखा यहाँ कोई नहीं खरीद रहा, एक आध थैली कोई पकड़ के घूम रहा तो पकड़ रहा हूँ। हाँ खाना वाना सारे खा रहे हैं, बिचो ठीक है कोई भी खा सकता है भाई, 5-6 हज़ार का खाना कोई भी खा सकता है, बट वेरी रेयर दैट पीपल आर बाइंग थिंग्स।
प्लस यहाँ पे उतना रश भी नहीं है तो मज़ा भी नहीं आ रहा है। हम जा रहे हैं बाहर कुछ फन करने। ओके बाय। बताओ भानु, चैनल से क्या लेना है आपने? शनेल है। क्या शनेल? चैनल चैनल लिखा हुआ भाई। भानु आम बिक रहे हैं वहाँ पे 2.5 रुपए किलो के हिसाब से। वो अरे इसकी सुई ना बाहर भी बैठक की है, पता नहीं बालक से लेके बड़े तक बार भी में पता नहीं ऐसा क्या रखा है। सेम चीज़ रजौरी में मिल रही 300 रुपये में, तो 20,000 की चप्पल थी। पता नहीं क्या सिस्टम क्या है। तुम्हें पैसे वैसे एक्सचेंज कराने? अरमानी एक्सचेंज आ गया। भाई एक बात बताओ, इतना साले साले क्यों लिखा हुआ है? ये क्या चक्कर है? अप टू 50% ऑफ सेल है बेबी। साले साले लिखा हुआ है, झूठ मत बोलो तुम भाई। यहाँ पे इतनी गालियाँ दे रहे हैं लोग, पता नहीं अमीर लोगों को साले साले में क्या मजा आता है। नो आइडिया ब्रो। वही देखो शीशे में मैं। तो भाई ये तो हमारा मॉलों का टूर। अब हम जा रहे हैं गाड़ी में, पार्किंग में वापस। गाड़ी ढूंढते हैं, गाड़ी की पार्किंग ढूंढते हैं, वो भी अलग ही टास्क है। एंड देन लेट्स मीट यू गाइस डाउनस्टेयर्स। ओके बाय। भाई लोग हम आ गए अपनी गाड़ी में, तीनों मॉल घूम लिए हैं। और इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ पे तीन मॉल हैं, नॉर्मल, मीडियम और हाई क्लास। और जो हाई क्लास मॉल है वहाँ पे सबसे छोटा ब्रांड ही मेरे ख्याल से वर्सेचे है। जहाँ पे वर्सेचे गुची सबसे छोटा ब्रांड है, वहाँ आप समझ ही लो कि सिस्टम चल क्या रहा है। और वहाँ ज़्यादा लोग शॉपिंग नहीं कर रहे, देखने आ रहे हैं। और जेंट्री में ही फ़र्क है भाई, मॉल में घुसते ही आपको समझ आ जाता है कि वो बंदे ही अलग है। और मुझे ऑनेस्टली वहाँ ज़्यादा मज़ा भी नहीं आया। अब ब्रांड्स भी भाई कितने ही देख लेता, लेने तो है नहीं। ऑल इन ऑल बढ़िया है, बहुत बढ़िया टाइम पास है। मतलब हमें 4 घंटे हो गए यार घूमते घूमते, हमें पता ही नहीं लगा। 4 hours काफी अच्छा, काफी टाइम स्पेंड कर लिया। जस्ट विंडो शॉपिंग करी है हमने। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कुछ खरीदा नहीं, तो 4 hours जस्ट अ ग्लांस, सारे मॉल को, ब्रांड्स को देखना। खाना पीना भी ठीक है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव है या जो भी है, बट ब्रांड्स खाने वाले भी बहुत सही है मतलब। और खाने पीना भी सही है, घूमना भी सही है, काफी कुछ है घूमने के लिए। और मैंने सुना है कि DLF Emporium अगर तुम पार्क करते हो तो देयर इज नो चार्जेस, क्योंकि DLF Emporium में पार्किंग फ्री है। हाँ, क्योंकि ब्रांड्स इतने हाई फाई है ना, वहीं से पार्किंग का खर्चा निकालते हैं। अच्छा जी, ये एम्बियंस है तो निकालना पड़ता है इनको, ऐसा सुना है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हो भाई। क्योंकि 5 साल पहले मैं आई थी तब नहीं थी पार्किंग। 5 साल पहले? Yes. 5 years. Emporium पार्किंग करी थी तब। 5 साल में तो सरकार ना टिकती, तुम्हारा Emporium टिक जाएगा। अभी देखो कितना खर्चा आता है। हाँ, टिकट के 100 रुपए अलग से है। Oh my God. अब नो ये ठीक है, 80 रुपए है, ज्यादा नहीं है। रात हो गई, भरी दोपहर में आए थे। बढ़िया एक्सपीरियंस है, पैसे वैसे उड़ाने हो यहाँ जरूर आना। तो भाई लोग डे एंड नहीं हुआ है अभी, हम घर तो पहुँच गए हैं, लेकिन हम भूल गए थे कि हमारे पास एक बर्थडे इनविटेशन भी है। तो ओम स्वीट से उठा लिया हमने पैकेज, जा रहे भाई अब जाएंगे बढ़िया दाल मखनी के साथ बटर नान पेलेंगे, लेमन सोडा। हाय हाय, बता दो तो इनविटेशन कहाँ का है। ठीक है, हम जा रहे हैं भैया अपना मौज लेने। और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ ना कुछ आपको मौज मस्ती आई हो। मिलते हैं भाई अपने अगले व्लॉग में। ओके बाय। भोला बाबा दे दे नोट छापने की मशीन।